गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड स्टूडेंट। आज हम व्याकरण सोपान में एक नया टॉपिक जिसका नाम है एक जैसे शब्द, इसका अध्ययन करते हैं। तो चलिए पहले जानते हैं एक जैसे शब्द क्या होते हैं। एक जैसे शब्द, तो एक जैसे शब्द का अर्थ होता है एक जैसे अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब आप समझ रहे होंगे एक जैसे अर्थ, एक जैसे शब्द क्या होता है। तो आप जैसे मान लीजिए कोई शब्द है और उसको एक से अधिक नाम है, तो वो क्या हो गए, वो उसके पर्यायवाची शब्द हो गए। जैसे मान लीजिए पानी, अभी हम एक उदाहरण का पानी के उदाहरण की सहायता से देखेंगे कि कैसे पर्यायवाची शब्दों को समझ सकते हैं। पर्यायवाची शब्द मतलब एक से अधिक अगर किसी के नाम है लेकिन उसका अर्थ एक ही है तो उनको क्या कहा जाता है, पर्यायवाची शब्द कहा जाता है, या सरल अर्थों में एक जैसे शब्द। मतलब कि वो शब्द तो अलग अलग होते हैं लेकिन उसका अर्थ एक होता है। ये देखिए एक उदाहरण की सहायता से, यहाँ पर दादी, प्रिया और मम्मी हैं और पापा हैं। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर दादी ने बोला प्रिया बहुत प्यास लगी है, जरा ठंडा पानी पिलाओ। प्रिया ने बोला दादी मैं अभी ठंडा जल लाती हूँ। अब आपने देखा यहाँ पे पानी बोला दादी ने और प्रिया ने क्या कहा, मैं जल लाती हूँ। मम्मी ने कहा प्रिया फ्रिज में ठंडा नीर है, ले आओ। तो यहाँ पर मम्मा ने नीर यूज किया है। पापा ने बोला अरे माँ के लिए फ्रिज का वारी ठीक नहीं है, उनके लिए घड़े का ठंडा सलील ले आओ। तो आपने यहाँ पे देखा पानी के लिए कितने शब्द प्रयोग किए गए, पानी, जल, नीर, वारी, सलील। तो ये सभी क्या है, एक है तो शब्द अलग अलग लेकिन सभी शब्दों का अर्थ क्या है, एक ही है और वो है पानी। तो यहाँ पर हम इनसे कह सकते हैं कि पानी के पर्यायवाची कौन कौन से हैं, जल है, नीर है, वारी है, सलील है। तो ये सभी क्या है, पानी के पर्यायवाची हैं। तो एक जैसे अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो चलिए कुछ उदाहरण की सहायता से हम देखते हैं। पहला है आकाश। आकाश को क्या क्या कह सकते हैं, आकाश के क्या क्या पर्यायवाची होते हैं, नभ, गगन, आसमान। इसी तरह आग, आग के क्या क्या पर्यायवाची हैं, अग्नि, अनल, पावक। आंख, नयन, नेत्र, लोचन। कमल, जलज, पंकज, राजीव। कपड़ा, चीर, वसन, वस्त्र। घर, गृह, सदन, आलय। चांद, शशि, राकेश, सुधाकर। तालाब, सर, सरोवर, तालाल, ताल। दिन, दिवस, वासर, दिवा। नदी, सरिता, तटिनी, तरंगिणी। पवन, हवा, वायु, अनिल। पुत्र, बेटा, लड़का, सुत। तो ये आपने पर्यायवाची शब्द देखे और इसी के आधार पर आपको ये गृह कार्य करने हैं। यहाँ कुछ शब्द हैं, आपको इनका पर्यायवाची शब्द लिखना है और एक एक लिखना है सिर्फ। जैसे पानी का जल आपको दे रखा है, एक आपको लिखना है। बेटा का पुत्र दे रखा है, एक और लिखना है। आग का दे रखा है अनल, आपको एक और लिखना है। इसी तरह आकाश का नभ है, आपको बताना है एक। पर्वत का गिरी, एक आपको बताना है। घर, सदन और एक आपको बताना है। तो आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।